अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस एक ऐसा दिन जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं की समान सहभागिता व भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 11 फरवरी वर्ष 2022 के इस दिन को सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट स्पेक्स ने एक खास अंदाज में मनाया। प्रथम विज्ञान संचारक सम्मान वर्ष 2022 के रूप में इसमें विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय महिलाओं डॉ. गीता खन्ना, डॉ. अनीता रावत, डॉ. अपर्णा शर्मा, डॉ. आरती दीक्षित व श्रीमती गुड्डी देवी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। अपने आसपास की और सफल महिलाओं को देखते हुए मैं ये मान के चलती हूँ कि आपका सिर्फ लक्ष्य और ध्येय साफ होना चाहिए। मंजिल हमें मिलती ही है और जरूरी नहीं होता कि जो हमने सोचा है उसी तरीके से मिले, जो हमने चाहा है उस समय पे मिले, जैसा हमने करा है उस एक फील्ड में मिले। बट This large universe, whatever good and whatever we do, comes back in some form. That is my very, very clear thought. Empowerment के लिए, as I said, हमें अपनी knowledge बढ़ानी होगी, हमें अपने सोचने का horizon develop करना पड़ेगा और अपने आप को हर तरह से सशक्त करना पड़ेगा। एक विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका कहना था कि यदि महिलाएं अपने पे लगाई हुई बेड़ियों को जिस दिन तोड़ने लगेंगी, उस दिन विश्व की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। एक फिलॉसफी है कि आप सिंपल सी बात है, जो कर रहे हैं, जो आपका रोल है, उसको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कीजिए, सो देन यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ जितने उपस्थित हैं, सब लोग अपने किसी भी स्टेटस पर जो है आज हैं, तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी माँ ने वो समय अपनी किचन में गुजारा है। हम लोग, मुझे याद आता है वो समय जब मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि जीवन में कुछ बनना है तो उससे पहले तुम्हें किचन को संभालना सीखना पड़ेगा, तभी तुम जीवन में कुछ और संभालना सीख सकते हो। जब मेरे को समझ में नहीं आता तो मम्मी ऐसा क्यों कहती थी, मैं कभी कभी मम्मी को बोलती थी, मम्मी ये बात हमसे ही क्यों कहती हो, आप भाई भी तो है, उनसे भी तो बोलो, उन्हें भी किचन संभालना सिखाओ। तो कहती थी हाँ बेटा, एक दिन वो समय जरूर आएगा। देहरादून के सनराइज एकेडमी में हुए इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें सैनिटाइजर बनाने की प्रक्रिया, उसकी जांच एवं मास्क के उचित उपयोग के साथ साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाले इम्यूनिटी बूस्टर मसालों यानी इम्यूनिटी गार्डन के विषय में भी जानकारी दी गई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं के योगदान पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने काफी पसंद किया। इनसे काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला। मैम और आई थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना स्ट्रगल बताया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारे भी घर पे माँ बहनें हैं तो हमें उनके साथ कैसे रहना है। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भूल जाते हैं जो डेली लाइफ में ज़रूरी है हमारे लिए, कि हम अपने आस पड़ोस में अपनी बहनों का, अपनी माँ का, सबका ध्यान रखें। तो ये सब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। And whatever teachers told us, I also follow these rules, and it was so much motivating for not only me but also for my
क्लासमेट्स एज वेल एज माय फ्रेंड्स। और अंतिम चरण में जैसे उन्होंने हमें मास्क के बारे में बताया कि इसको कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए, और फिर आखिर में इन्होंने सैनिटाइज़र बनाना भी सिखाया कि हम मार्केट से ज़्यादा अच्छा सैनिटाइज़र और फ़ायदेमंद सैनिटाइज़र कैसे बना सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन स्पेक्स व उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस द्वारा किया गया, जिसमें मंथन सोसाइटी व ग्रासरूट अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट गति सोसाइटी का भी सहयोग रहा। इस तरह के प्रोग्राम मुझे लगता है जो बुकिश नॉलेज वाला टाइम है, बुक वर्म बनने वाला, वो शायद अब नहीं रहा। अब पूरी स्थिति चेंज हो चुकी है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमको खाली किताबों तक सीमित रखा जाता था। स्कूलों में सिर्फ ये होता था कि हमें 6-7-8 पीरियड्स को फॉलो करना है और होमवर्क करना है और स्कूल आना है। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 1-2 घंटे के सेशन में एब्जॉर्ब की है, सीखी है। सिर्फ नहीं, उन्होंने देखा कि हाँ भाई आज हम वुमेंस डे मना रहे हैं और वुमेंस के अचीवमेंट का उनको एक पूरा डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया कि कितने, मतलब पहले के टाइम में भी वुमेंस ने कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे उनका उन्होंने नहीं अचीवमेंट हासिल की हो। कार्यक्रम में विशेष रूप से सनराइज एकेडमी की प्रधानाचार्य श्रीमती नीतू तोमर, डॉक्टर पारुल सिंघल, कुमारी चंद्रा आर्य, श्री नीरज उनियाल, सौम्या डबराल, राहुल मौर्य, अशोक कुमार, संजीव गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कुमारी शिवांगी सिंह द्वारा किया गया। फूलचंद नारीशिल्प मंदिर महिला इंटर कॉलेज की प्रवक्ता श्रीमती मोना बाली द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव इस तरह के कार्यक्रमों की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। और विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है बच्चों, उसके क्षेत्र में हमारी महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हम सुनिश्चित करते हैं ऐसे कुछ कार्यक्रम करके। और विज्ञान की एक अलग ही, एक अलग जगाने का काम जो है, यहाँ जितने भी मंचा सिंह हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं ना, जो आपको कुछ बता पाए और आप तक पहुँच पाए, आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि हदें जो शहर से निकली तो गाँव गाँव चली, हदें जो शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली।